बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 4 नियोजन के अंतर्गत नियोजन की विशेषताएं और सीमाओं पर चर्चा करूंगा। नियोजन के अर्थ के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो योजना बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, वह क्या होती है? नियोजन कहलाती है। कैसे करना है किसी काम को, किस प्रकार किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, यह रूपरेखा ही नियोजन के अंतर्गत आती है। आइए अब नियोजन की विशेषताएं हम देख लेते हैं। नियोजन की विशेषताएं, पहली विशेषता है नियोजन केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति है। नियोजन का जो केंद्र बिंदु होता है वह होता है लक्ष्य की प्राप्ति या उद्देश्य की प्राप्ति। किसी उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही नियोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। दूसरी विशेषता है यह प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। देखिए नियोजन जो होता है वह प्रबंधन का पहला कार्य होता है, प्रथम कार्य होता है। अन्य कार्य संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण इसके बाद में होते हैं। पहले लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उनके लिए योजना तैयार की जाती है। नियोजन सर्वव्यापी है। देखिए नियोजन हर प्रकार के संगठन के लिए आवश्यक है। संगठन के हर विभाग में, हर स्तर पर नियोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। अविरत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जो नियोजन है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार आपने उद्देश्य निर्धारित कर लिए, उसको प्राप्त कर लिए, फिर अगले उद्देश्य तय किए जाते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाई जाती है, तो यह अविरत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन भविष्यवादी है। देखिए नियोजन पास्ट की जो चीज़ें हैं उनके लिए नहीं किया जाता। कोई भी प्लानिंग हम जो करते हैं वो भविष्य के लिए करते हैं, भविष्य में हमको ये करना है, वो करना है, और उसी के लिए हम क्या है, योजना बनाकर अपने कार्य संपादित करते हैं, तो नियोजन भविष्यवादी है। निर्णय रचना निहित है। देखिए नियोजन करते समय कई विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है, तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चयनित करने के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए नियोजन जो है निर्णय रचना निहित है। इसमें नियोजन के अंतर्गत निर्णय लेने की रचना होती है। किस प्रकार आप सही निर्णय लेंगे, किस प्रकार आप कई सारे विकल्पों में से उचित निर्णय लेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। मानसिक अभ्यास है। देखिए यह सारी परिस्थितियों के अनुसार सोच समझकर, तार्किक रूप से सोच समझकर निर्णय लेने के लिए मानसिक अभ्यास को विकसित करता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है कि नियोजन मानसिक अभ्यास है। बच्चों यहां पर हमने पॉइंट के रूप में देखा, अब इन्हें विस्तार से हम देखते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले बिंदु, केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति। नियोजन की विशेषताएं, नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति होता है। प्रबंध का शुभारंभ नियोजन से होता है और नियोजन का शुभारंभ उद्देश्य निर्माण से होता है। देखिए प्रबंध का पहला कार्य क्या है, नियोजन। उसके बाद में अन्य कार्य आते हैं, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण आते हैं, और यह जो है अन्य कार्यों को आधार प्रदान करता है। नियोजन के अंतर्गत सबसे पहला कार्य होता है उद्देश्य और लक्ष्य का निर्धारण करना। देखिए कोई बच्चा है, वह लक्ष्य निर्धारित करता है कि उसे 95% मार्क्स प्राप्त करने हैं, और इन अंकों को प्राप्त करने के लिए वह क्या बनाता है, योजना बनाता है। वह अपनी योजना बनाता है कि किस प्रकार वह अध्ययन करे कि वह इन अंकों को प्राप्त कर ले। आपके परिवार में कोई कार्यक्रम होता है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि हमें ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक, मान लीजिए आपके परिवार में शादी का कार्यक्रम है, तो आपका लक्ष्य क्या होता है कि सफलतापूर्वक उस कार्य को पूरा किया जाए, और इसके लिए आपके परिवार के जो मुखिया होते हैं वो क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। वो उसके लिए योजना बनाते हैं कि कौन सा काम कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कब किया जाएगा, और पूरी रूपरेखा तैयार होने के बाद में उस कार्य को संपादित किया जाता है और लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास होता है।
विशिष्ट उद्देश्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्रियाकलाप योजनाओं में निर्धारित होते हैं। जो ये विशिष्ट उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, इनको प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किए जाने हैं वो योजनाओं में शामिल होते हैं, योजनाओं में निर्धारित किए जाते हैं। नियोजन तब तक निरर्थक होता है जब तक यह संस्थानों के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान नहीं करता। देखिए, यदि हमारे लक्ष्य जो पहले निर्धारित हमने कर लिए हैं वो प्राप्त नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए जब बच्चे ने 95 अंक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसी के अनुसार वह क्या है, योजना बना रहा है, लेकिन उस योजना को यदि वह सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पाता और इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी योजनाएं क्या है, निरर्थक है। जब वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा तो उसकी योजना क्या कहलाएगी, सार्थक कहलाती है। अतः नियोजन उद्देश्यपूर्ण होता है। अतः कहा जाता है कि नियोजन उद्देश्यपूर्ण होता है, यह उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कार्य है। आगे देखते हैं दूसरा बिंदु, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। देखिए, प्रबंध के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें से नियोजन प्रथम कार्य माना जाता है। यह नियोजन जो है वह प्रबंध का प्रथम कार्य है, प्राथमिक कार्य है। अन्य कार्यों के लिए यह आधार प्रदान करता है। नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है, अन्य सभी कार्यों, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण के लिए आधार प्रदान करता है। निर्धारित नियोजन के ढांचे के द्वारा ही समस्त प्रबंधकीय कार्य निष्पादित किए जाते हैं। देखिए, जो प्लानिंग की जाती है, जब कोई प्लानिंग होती है तो उसके अनुरूप ही कार्य किए जाते हैं। जिस प्रकार एक योजना तैयार कर दी गई है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, यह हमारा लक्ष्य है और उसको प्राप्त करने के लिए एक योजना तैयार कर दी गई है, तो उस योजना के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। अन्य कार्य इसी के अंतर्गत इर्द गिर्द होते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही संगठन का कार्य भी होता है, नियुक्तिकरण का कार्य भी होता है, निर्देशन और नियंत्रण भी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। तो योजना, नियोजन ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। नियोजन के अभाव में प्रबंध का कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। यदि कोई प्लानिंग नहीं है तो किसी भी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। बिना प्लानिंग के सभी लोग इधर उधर कार्य करेंगे और लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित योजना होनी चाहिए और उसी के तहत कार्य किया जाता है, तभी एक प्रबंधक अपने प्लानिंग का कार्य सबसे पहले करता है और अन्य कार्य उसके इर्द गिर्द चलते रहते हैं। नियोजन सर्वव्यापी है। देखिए, किसी भी प्रकार का संगठन हो, हर जगह नियोजन जरूर होता है और संगठन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें नियोजन पहले किया जाता है, पहले प्लानिंग की जाती है कि किस प्रकार से हमें काम करना है, क्या कार्य किया जाना है। साथ ही उसके जितने भी विभाग हैं एक संगठन के, चाहे वो उत्पादन विभाग हो, क्रय विभाग हो, विक्रय विभाग हो, सबके अंदर भी अपने अपने स्तर पर प्लानिंग की जाती है। संगठन का कोई भी स्तर है, चाहे वह उच्च स्तर है, चाहे वह मध्यम स्तर है, चाहे वह निम्न स्तर है, हर स्तर पर प्लानिंग की जाती है। महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण योजनाओं का निर्माण उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। आइए देख लेते हैं, नियोजन उपक्रमों के सभी विभागों एवं स्तरों के प्रबंधकों के लिए वांछनीय होता है, बहुत आवश्यक होता है, इसलिए इसे सर्वव्यापक कहना उचित होगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं। योजना बनाना प्रत्येक प्रबंधक का जरूरी कार्य है, चाहे वह प्रबंधक संस्था का प्रबंध संचालक, उच्च स्तरीय प्रबंधक हो, या फिर कारखाने में कार्य करने वाला कोई फोरमैन निम्न स्तरीय प्रबंधक हो, चाहे वह संस्था का उच्च प्रबंधक है, चाहे वह निम्न स्तरीय प्रबंधक फोरमैन है, तो भी उसके लिए योजना बनाना बहुत आवश्यक है, तभी वह कार्यों को अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। देखिए,
हमारे परिवार में जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो मुख्य योजना कौन बनाता है? हमारे परिवार के मुखिया द्वारा योजना बनाई जाती है उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए। लेकिन जो भी परिवार के अन्य सदस्य हैं, जैसे आप हैं, तो आपके उस कार्य के संबंध में अलग योजना होती है। आपकी अलग योजना है कि मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा करना है, उस कार्यक्रम में मुझे इस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं, इस प्रकार से तैयार होना है, आप अपनी योजना बनाएंगे। आपकी जो बहन है वह अपनी योजना अलग बनाएगी, उसकी योजना अलग होती है। लेकिन जो मुख्य योजना है वो किसने बनाई है? आपके पिताजी ने बनाई है। और किस लिए बनाई है? ताकि कार्यक्रम सफल हो सके। मुख्य योजना तो परिवार का मुखिया बना रहा है, लेकिन अन्य जो उसके अंग हैं परिवार के, वो भी अपनी अपनी योजनाएं बनाते हैं। और किससे संबंधित योजनाएं बनाते हैं? उस कार्यक्रम से संबंधित ही उनकी योजनाएं होती है जिसके लिए वो एक कार्य कर रहे हैं। देखिए, सभी का लक्ष्य होता है इस कार्यक्रम को सफल बनाना, लेकिन सबकी योजनाएं अलग अलग होती है। मुख्य योजना का निर्माण मुखिया द्वारा किया जाता है, यही संगठनों में होता है। नियोजन का क्षेत्र विभिन्न स्तरों तथा विभिन्न विभागों में भिन्न होता है। कोई भी कार्य बिना पूर्व नियोजन के संभव नहीं है। देखिए, हम कोई भी कार्य देख लें, चाहे अपने जीवन का ही देख लें, हमें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं और हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की, तो क्या ये अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसके लिए हमें पहले से ही एक योजना के अनुसार, एक प्लानिंग करके अच्छे अंक प्राप्त करने की योजना बनानी पड़ेगी कि इस योजना के तहत हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से अध्ययन करेंगे, तो परीक्षा में अच्छे अंक हमारे आ जाएंगे। तो योजना हर जगह आवश्यक होती है। तो बिना पूर्व नियोजन के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। नियोजन अविरत निरंतर प्रक्रिया है। देखिए, यह अविरत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जैसे आपने कक्षा 10 के अंदर योजना बनाई कि मुझे अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, और योजना बनाकर आपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। इसके बाद में आप कक्षा 11 में आए, वहाँ पर भी आपका लक्ष्य क्या था? अच्छे अंक प्राप्त करना, और आपने योजना बनाकर उस लक्ष्य को प्राप्त किया। फिर आप कक्षा 12 में आ गए हैं, अब आपका लक्ष्य क्या है? अच्छे अंक प्राप्त करना, योजना बनाकर आप अगली कक्षा में जाएंगे, बीकॉम करेंगे या सीएसीएस की तैयारी करेंगे। उसके बाद में आप फिर योजना बनाएंगे और अपने भविष्य में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार योजना बनाते हैं, उन्हें पूरा करते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, फिर अगले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिर योजना बनानी पड़ती है। तो जो ये नियोजन है, यह अविरत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। एक उद्यम भी अपने यहाँ कुछ समय अवधि के लिए योजना बनाते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं, और फिर अगली योजना पर कार्य प्रारंभ कर देते हैं। नियोजन एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि योजनाएं एक विशिष्ट समय के लिए तैयार की जाती है। एक सप्ताह, एक माह, एक वर्ष के लिए योजनाएं तैयार की जाती है। प्रत्येक समयावधि के बाद एक नई योजना की आवश्यकता होती है। देखिए, समयावधि समाप्त होती है, उसके बाद में फिर एक नई योजना लानी पड़ती है। निरंतर परिवर्तनशील वातावरण में कार्य करने वाले व्यवसाय को वातावरण के अनुसार अपनी क्रियाओं में भी बदलाव करना पड़ता है, और इसके लिए नियोजन का कार्य भी दोहराना पड़ता है। देखिए, जो वातावरण है व्यवसायियों के लिए, वह निरंतर परिवर्तनशील होता जा रहा है, और उसके कारण से उन्हें अपनी प्लानिंग में भी निरंतर बदलाव करना पड़ता है। तो यो वातावरण के कारण से वो अपनी योजनाओं में बदलाव करते हैं, और उनको अपनी योजना के अंदर दोहरान भी करना पड़ जाता है। नियोजन कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, अतः यह एक निरंतर प्रक्रिया है। देखिए, नियोजन कभी भी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। योजना पूरी हुई, उसके बाद आपको नई योजना लानी पड़ेगी। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के बाद में फिर आप नया उद्देश्य तय करते हैं, और फिर नई योजना बनाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी प्रारंभ कर देते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए नियोजन क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है। नियोजन भविष्यवादी है। देखिए बच्चों, आज आप कक्षा 12 में हैं,
कक्षा 12 में आने के बाद में आप यह नहीं सोचते कि कक्षा 11 में आप 92% अंक प्राप्त कर लें। इसके लिए आप अब क्या है योजना नहीं बनाते। कक्षा 12 में आने के बाद में अब आप कक्षा 11 के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करने की योजना नहीं बनाते। यदि बना भी रहे हैं तो वह योजना क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि अब वह योजना आप लागू नहीं कर सकते। अब आप कौन सी योजना बनाएंगे, कक्षा 12 के अंदर आप एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि मुझे ये इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं और उसको प्राप्त करने के लिए आप योजना बनाएंगे, मतलब भविष्य के लिए योजना बनाएंगे। पिछले समय के लिए आप योजना नहीं बनाते हैं। तो नियोजन क्या है, भविष्यवादी है। नियोजन के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सभी भविष्य से संबंधित हैं। देखिए भविष्य से संबंधित ही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, और इसके उत्तर ही हम नियोजन के अंतर्गत रखते हैं। इनको ढूंढते हैं इनके उत्तर और उसी के अनुसार योजना तैयार होती है। नियोजन का उद्देश्य भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं से संस्थान के हित में कुशलतापूर्वक सामना करना है। देखिए नियोजन के अंतर्गत क्या किया जाता है, भविष्य में जो घटनाएं होंगी उनसे अपने संस्थान को बचाने के लिए योजना तैयार की जाती है। किस प्रकार भविष्य में होने वाले बदलावों से आप सामना कर पाएंगे उसके लिए योजना तैयार की जाती है। प्लानिंग उसी अनुरूप की जाती है जो भविष्य में होने वाले परिवर्तनों से आपको बचा सके। पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, भविष्य को देखकर, भविष्य में झांककर योजना तैयार की जाती है। इसमें भविष्य में झांकना तथा विश्लेषण व पूर्वानुमान सम्मिलित होता है। नियोजन में क्या होता है सम्मिलित, भविष्य में झांकना और विश्लेषण करना तथा पूर्वानुमान लगाना, और उसी के अनुसार एक संगठन अपनी योजनाएं बनाते हैं। अतः नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित भविष्यमूलक कार्य है। अतः नियोजन क्या है, पूर्वानुमानों पर आधारित भविष्यमूलक कार्य है, भविष्य के लिए तैयार किया जाने वाला कार्य है। आगे है, नियोजन में निर्णय रचना निहित है। देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए कई सारे विकल्प होते हैं। आपने जब 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी तब आपके सामने कई सारे विकल्प थे। आप विज्ञान संकाय लें, आप वाणिज्य संकाय ले सकते हैं, आप कला संकाय ले सकते थे, लेकिन आपका लक्ष्य क्या था, आपका लक्ष्य था CA या CS बनना, किसी बच्चे का लक्ष्य था MBA करना, तो उसके लिए उसे किस संकाय में जाना था, वाणिज्य संकाय लेना था। और यह विकल्पों में से कई सारे विकल्प उसके सामने मौजूद थे, उन विकल्पों में से अपने लक्ष्य को देखते हुए उसके द्वारा सही निर्णय लेना था। यही निर्णय रचना नियोजन के अंतर्गत निहित होती है। देखिए सही निर्णय लेकर वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के क्रम में एक कदम आगे बढ़ाता है। नियोजन में निर्णय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी क्रिया को करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हों। 10th कक्षा के बाद देखिए कई सारे विकल्प थे, उन विकल्पों में से आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए सही विकल्प का चयन करना था। जब विकल्प खूब सारे होते हैं, आपको अपना लक्ष्य पता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको सही विकल्प, सर्वोत्तम विकल्प ढूंढना होता है और उसके अनुसार ही आगे बढ़ना होता है। नियोजनकर्ता विभिन्न विकल्पों, क्रियाओं का पूर्ण परीक्षण तथा मूल्यांकन करने के उपरांत उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करता है। देखिए नियोजनकर्ता जो होता है, जो प्लानिंग तैयार करता है, वह अपने सामने मौजूद विकल्पों में से और जो उसके सामने क्रियाएं हैं उनका पूर्ण रूप से वह परीक्षण करता है, उनका वह मूल्यांकन करता है, उनका विश्लेषण करता है, उसके उपरांत ही वह उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है। इसीलिए कहा जाता है जो नियोजन होता है इसमें निर्णयन सम्मिलित होता है, क्योंकि सही निर्णय लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, सही योजना को लागू कर सकते हैं। 7वां है, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। देखिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में सोच विचार करके सही निर्णय लेना
ये होता है मानसिक अभ्यास। आप सही निर्णय किस प्रकार लेंगे, पूर्ण रूप से तर्क के आधार पर और सोच विचार करके सही निर्णय लेना, ये इसमें सम्मिलित होता है। नियोजन में दूरदर्शिता को साथ लेते हुए मस्तिष्क के प्रयोग की आवश्यकता होती है। देखिए, दूरदर्शिता के साथ आने वाले समय में किस योजना पर आपको अमल करना चाहिए कि आपके संगठन को ज़्यादा फायदा हो, इस दूरदर्शिता के साथ में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके नियोजन प्लानिंग तैयार की जाती है। नियोजन का संबंध कुछ करने से पहले सोचने के साथ है, इसलिए इसे मानसिक अभ्यास कहा जाता है। नियोजन का संबंध क्या होता है, कुछ भी करने से पहले, जो भी आप काम करेंगे उससे पहले सोच समझकर तर्क के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर सही निर्णय लेकर आप कार्य करें, यह मानसिक अभ्यास के अंतर्गत माना जाता है। नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से दूरदर्शिता के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेकर सही विकल्प का चुनाव करना होता है। आपके सामने कई सारे विकल्प हैं, अब आप उन सभी विकल्पों का परीक्षण करेंगे, सोच समझकर अपनी दूरदर्शिता से आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका चुनाव करते हैं कि यह हमारे संगठन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और उसी विकल्प को चुनकर आप आगे बढ़ते हैं, आप अपनी योजना तैयार करते हैं। इसके लिए तार्किक तथा नियमित विचारधारा की आवश्यकता होती है, और इसके लिए तार्किक विचारधारा की आवश्यकता होती है, नियमित सोच समझने की विचारधारा की आवश्यकता होती है। नियोजन की सीमाएं, देखिए बच्चों, नियोजन की कुछ सीमाएं भी हैं, उसकी विशेषता है तो कुछ सीमाएं भी उसकी होती हैं। औपचारिक नियोजन के बिना प्रबंध करना कठिन कार्य है। औपचारिक नियोजन बिना प्लानिंग के आप प्रबंध का कार्य नहीं कर सकते। आप किसी भी कार्य को बिना प्लानिंग के करते हैं तो वह सफल नहीं हो पाता है। हर कार्य के लिए पहले आपको एक सोच समझकर प्लानिंग करनी होती है, एक योजना बनानी होती है। संस्थानों के लिए लक्ष्य प्राप्त करना अति महत्वपूर्ण है, और सभी संगठनों के लिए अपने लक्ष्य प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सभी गतिविधियाँ हमेशा योजना अनुसार नहीं चल पाती। आपने योजना बनाई है, लेकिन भविष्य में होने वाली आकस्मिक घटनाओं और परिवर्तनों के कारण उस योजना पर आप चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे, यह कहना मुश्किल होता है। अप्रत्याशित घटनाएं, जो कि कभी भी अचानक घट सकती हैं, ऐसी घटनाएं तथा परिवर्तन, जैसे पर्यावरणीय परिवर्तन, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन, भूकंप आ गए, अचानक ओलावृष्टि हो गई, बाढ़ आ गई, इससे आपका संगठन प्रभावित हो सकता है। सरकारी हस्तक्षेप, सरकार द्वारा आपके व्यवसाय में हस्तक्षेप में वृद्धि कर देना, इससे भी व्यवसाय प्रभावित होता है, आपकी योजनाएं प्रभावित होती हैं। कानूनी नियमन, कई प्रकार के कानूनी प्रावधान जो हैं उनके लागू करने से भी आपका व्यवसाय प्रभावित होता है, आपकी योजनाएँ प्रभावित होती है। प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धी संस्थानों के द्वारा भी जो कार्य किए जाते हैं उससे आपकी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। तकनीकी परिवर्तन आदि सभी व्यावसायिक नियोजन को प्रभावित करते हैं। देखिए, आर्थिक नियमन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे कानूनी नियमन हो, इनके प्रभाव से एक व्यवसाय प्रभावित होता है, और इसको देखते हुए योजनाओं में बदलाव भी करना पड़ता है तथा लागत एवं कीमत में वृद्धि कर देते हैं। देखिए, ये जो परिवर्तन होते हैं ये प्लानिंग को तो प्रभावित करते ही हैं, और लागतों को भी प्रभावित करते हैं, कीमतों को भी प्रभावित करते हैं, जिससे योजनाओं में संशोधन करना पड़ता है, और इस कारण एक संगठन को अपनी योजनाओं में परिवर्तन करना पड़ता है। कई बार संगठन अपनी कुछ सीमाओं के कारण समय पर योजनाओं में परिवर्तन नहीं कर पाते। कई संगठन ऐसे होते हैं जो कि कुछ सीमाओं के कारण सही समय पर अपनी योजनाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, अतः नियोजन की कमियों, सीमाओं को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए नियोजन की इन कमियों को जानना, इन सीमाओं को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। आइए देख लेते हैं बच्चों, नियोजन की सीमाएं।
दृढ़ता उत्पन्न करता है। देखिए नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। नियोजन में क्या होता है कि एक निश्चित दिशा में एक निश्चित योजना के अनुसार चलना होता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए, और प्रबंधक यह नहीं चाहते कि उनके कर्मचारी इस योजना से अलग हटकर कोई कार्य करे, वो उस योजना पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यह दृढ़ता उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं, जो व्यावसायिक पर्यावरण है वह लगातार बदलता रहता है, लगातार समय के साथ वह बदलाव प्राप्त करता रहता है, और उस बदलाव के अनुरूप योजनाओं में भी परिवर्तन करना होता है। लेकिन परिवर्तनशील वातावरण में जो प्लानिंग की गई है वह प्रभावी नहीं हो पाती यदि उसमें बदलाव नहीं किया जाए। रचनात्मकता को कम करता है। देखिए प्रबंधक यह चाहता है कि जो प्लानिंग की गई है उसी प्लानिंग के अनुसार कार्य हो, कोई भी अन्य नव परिवर्तन या नया रचनात्मक कार्य वो स्वीकार नहीं करते हैं, तो इससे रचनात्मकता पर भी प्रभाव पड़ता है। अधिक लागत आती है। देखिए इस पर कई बार समय और धन की लागत बहुत ज़्यादा आती है, काफ़ी समय खर्च होता है, काफ़ी धन इस पर व्यय होता है, एक योजना बनाने में बहुत अधिक लागत खर्च की जाती है, समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। देखिए योजना बनाना समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया भी माना जाता है। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है जिसमें योजना बनाने में बहुत अधिक समय लगता है और उसको क्रियान्वित करने उसको लागू करने के लिए समय ही नहीं बच पाता है, सफलता का आश्वासन नहीं है। और यह सबसे बड़ी कमी है कि योजना जो बनाई गई है वह निश्चित ही हमें सफलता दिला देगी, इसका कोई आश्वासन नहीं होता है। हम सफलता प्राप्त कर ही लेंगे उस योजना पे चलकर, इसके लिए कोई भी आश्वस्त नहीं कर सकता, तो सफलता का आश्वासन नहीं मिलता है योजना द्वारा। अब इन्हें विस्तार से देख लेते हैं बच्चों। नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। देखिए एक संगठन में लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्ति हेतु सुनियोजित योजना तैयार की जाती है। एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया कि हमें इस लक्ष्य पर पहुंचना है, और उस लक्ष्य को निर्धारित करके एक योजना तैयार कर दी गई, एक योजना तैयार कर दी गई। यदि बीच में किसी भी प्रकार का अवरोध आता है तो भी प्रबंधक उस योजना को नहीं बदलते, प्रबंधक योजना में कोई बदलाव नहीं लाते। ये क्या है, कोई भी बदलाव नहीं लाएंगे, क्यों, क्योंकि अब लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं तो वो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। योजना बन जाने के बाद प्रबंधक वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखे बिना कठोरता पूर्वक इसका पालन करते हैं। प्रबंधक उसी योजना पर चलते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना पसंद करते हैं, वो कठोरता पूर्वक उस योजना पर ही चलते हैं जो योजना उन्होंने पहले बनाई थी। वे नए विचार एवं सुझाव लेने और देने बंद कर देते हैं, इसलिए नियोजन संगठन में दृढ़ता उत्पन्न कर सकता है। वो किसी भी नए विचार को नए सुझाव को लेना और देना बंद कर देते हैं, वो जो योजना उन्होंने पहले तैयार की है उसी पर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। इससे क्या होता है, कठोरता उत्पन्न हो जाती है, बिल्कुल उसी रास्ते पर चलना है लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो पूर्व निर्धारित कर दिया गया है, उससे इधर उधर जाना उन्हें पसंद नहीं होता है, और इससे ही नियोजन से ही एक संगठन में एक उद्यम में दृढ़ता आ जाती है। अधीनस्थों से यह आशा की जाती है कि वे पहले से ही निर्धारित योजना के अनुसार ही व्यवहार करें, वो उस योजना में किसी भी प्रकार का बदलाव ना करें, जो योजना तैयार की गई है उसी के अनुसार वो आगे कार्य करें। इससे व्यक्तियों की पहलशीलता एवं सृजनशीलता को हतोत्साहित कर सकता है, और यह कार्य ये जो दृढ़ता है वह व्यक्तियों की सृजनशीलता और पहलशीलता को प्रभावित करती है। पहलपन के कार्य को यह बहुत बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य करती है। दूसरा है परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता। देखिए वातावरण नियमित रूप से परिवर्तनशील है,
चाहे आर्थिक वातावरण हो, सामाजिक वातावरण हो, राजनीतिक वातावरण हो, उसका प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। अभी कुछ समय पूर्व तक अफगानिस्तान में बहुत सारे व्यवसायी अपना व्यवसाय करते थे, लेकिन जैसे ही वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है उसका प्रभाव वहां के व्यवसायियों पर पड़ा है। कई जो व्यवसायी थे उन्हें अपना व्यवसाय वहां पर क्या है, बंद करना पड़ा है। तो ये वहां के वातावरण का प्रभाव उन पर पड़ा है। व्यवसायिक वातावरण परिवर्तनशील होता है। नियोजन भविष्य के बारे में किए गए पूर्वानुमानों पर आधारित होता है। और नियोजन क्या है, भविष्य के लिए जो कार्य किए जाने हैं उनका पूर्वानुमानों पर आधारित कार्य होता है। चूंकि भविष्य अनिश्चित है एवं परिवर्तनशील होता है, इसलिए पूर्वानुमान प्राय पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकते। चूंकि भविष्य अनिश्चित है उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता, उसमें कभी भी कैसा भी परिवर्तन हो सकता है, वह परिवर्तनशील होता है। इसलिए जो ये पूर्वानुमान है, जो ये भविष्य के लिए सोचकर योजनाएं बनाई जाती हैं, ये पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाती। भविष्य में क्या परिवर्तन आएगा उसके बारे में सही आकलन करना, सही अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। नियोजन की क्रिया में बदलाव की आवश्यकता पड़ती है और इस कारण नियोजन बदलते हुए वातावरण में प्रभावी नहीं रहता है। देखिए, नियोजन की क्रिया में निरंतर बदलाव की आवश्यकता होती है, बदलाव लाना पड़ता है। यदि कोई परिवर्तन हुआ है व्यावसायिक वातावरण में, यदि कोई परिवर्तन हुआ है जिससे व्यवसाय पर असर पड़ने वाला है, तो अपनी योजना में परिवर्तन करना होता है। और नियोजन बदलते हुए वातावरण में प्रभावी नहीं रह सकता। यदि आपने उसमें बदलाव नहीं किया तो वह प्रभावी नहीं होगा। बदलते हुए वातावरण के साथ आपको अपनी योजनाओं में बदलाव भी करना होता है। यह भी नियोजन की सबसे बड़ी कमी है कि यह परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं होता है। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। देखिए, नियोजन द्वारा रचनात्मकता कम होती है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना शीर्ष स्तरीय प्रबंध के द्वारा की जाती है। जो प्लानिंग है वह उच्च प्रबंधकों द्वारा की जाती है। योजना कौन बना रहा है? संगठन के लिए महत्वपूर्ण योजना नियोजन का कार्य जो है वह उच्च प्रबंध द्वारा किया जाता है। और उच्च प्रबंधकों द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है उस पर मध्य स्तरीय प्रबंधक और निम्न स्तरीय प्रबंधकों को कार्य करना होता है। उसी योजना के अनुसार इन्हें क्या है, कार्य संपादित करवाना होता है। और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनकी बनाई गई योजनाओं में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाए। अन्य तो इन योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं, अन्य लोग तो सिर्फ इन योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं, इससे इनकी रचनात्मकता प्रभावित होती है। ये अगर कोई नया विचार रखते हैं तो वह प्रभावित होता है। क्या, कब और किसके द्वारा किया जाता है पहले से ही सुनिश्चित होता है। क्या किया जाना है, कब किया जाना है, कैसे किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, यह सब कुछ पहले से ही तय होता है, जो कि पहले ही उच्च प्रबंधकों द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। नियोजन के अंतर्गत पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं, और जो पहले से ही निर्धारित मानक हैं उसके अनुसार अन्य प्रबंधकों को कार्य करने होते हैं, अन्य कर्मचारियों को कार्य करने होते हैं। उन निर्धारित मानकों का ही इन्हें क्या है, पालन करना होता है। उससे अलग हटकर ये कार्य नहीं करते। इससे व्यवसाय में कर्मचारियों को केवल आज्ञा पालन करना होता है। देखिए, जब प्रबंधक योजना बनाते हैं और कर्मचारियों को केवल उसके अनुसार कार्य करना होता है, तो केवल कर्मचारी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इससे उनकी पहल क्षमता तथा सृजनात्मकता दबकर रह जाती है और वे अलग हटकर कोई भी सृजनशीलता का कार्य नहीं करते, कोई भी पहल नहीं करते। इससे उनकी पहल क्षमता और सृजनात्मकता दबकर रह जाती है। कुछ भी नया नव परिवर्तन नहीं होता और ना ही संगठन में कुछ नया नव परिवर्तन होता है, क्योंकि उन्हें एक निर्धारित मार्ग पर ही आगे बढ़ना होता है। नियोजन में भारी लागत आती है। देखिए,
नियोजन कार्य में धन व समय बहुत अधिक खर्च होता है। धन एवं समय के रूप में नियोजन में भारी लागत आती है। योजना की शुद्धता की जांच में बहुत अधिक समय लगता है। योजना सही है, सही तरीके से वह योजना बनाई गई है, उसके सही परिणाम प्राप्त होंगे, लक्ष्य पूरे होंगे या नहीं, इसकी जांच में बहुत अधिक समय खर्च होता है। तो नियोजन की व्यवहार्यता को परखने के लिए बहुत से आकस्मिक व्यय किए जाते हैं और योजना की व्यवहार्यता को जांचने के लिए कई प्रकार के आकस्मिक व्यय भी करने पड़ते हैं। व्यय किया आपने 10 लाख रुपए का, आपकी जो इसकी व्यवहार्यता जांच है उसके लिए आपने जो कार्य किए उस पर 10 लाख रुपए का आपका खर्चा आया और इस कार्य को करने पर आपको लाभ प्राप्त हुआ 8 लाख का। तो यह जो लाभ प्राप्त हुआ है यह इस खर्चे की अपेक्षा सही प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कई बार यह क्या है भारी लागत उत्पन्न कर देता है। कार्यों का निर्धारण करने, उनको करने के विकल्पों को विकसित करने के लिए सूचनाओं का एकत्रीकरण व विश्लेषण किया जाता है जो कि खर्चीली प्रक्रिया है। देखिए कौन से कार्य किए जाने हैं, कैसे किए जाने हैं, इस कार्य का निर्धारण करने के लिए और उनके करने के लिए जो विकल्प तय करने हैं उसके लिए विश्लेषण करना होता है, उनका मूल्यांकन करना होता है, कई प्रकार की सूचनाओं को एकत्र किया जाता है जिसमें भारी व्यय किया जाता है जो कि एक खर्चीली प्रक्रिया होती है। अगला है नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। देखिए नियोजन कार्य एक लंबी प्रक्रिया के तहत किया जाता है, बहुत समय इसके लिए देना होता है। नियोजन एक अति लंबी व समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। देखिए कई सारे विकल्प होते हैं, कई सारे विकल्प आपके सामने होते हैं, उनमें से प्रबंधकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। इसके लिए उसे इन सभी विकल्पों का आकलन करना होता है, इनका मूल्यांकन करना होता है, इनका विश्लेषण करना होता है, उसके उपरांत ही वह सही विकल्प का चयन करता है और सही विकल्प का चयन करने के लिए उसे काफ़ी समय लगाना होता है। तो नियोजन एक अति लंबी व समय नष्ट करने वाली क्रिया है। उद्देश्य निर्धारण से लेकर सही विकल्प का चयन करते हुए उन्हें लागू करने के कार्य में बहुत लंबा समय लगता है, बहुत अधिक समय लगता है। कभी कभी योजनाएं तैयार करने में इतना समय लगता है कि उन्हें लागू करने के लिए समय नहीं बचता। ये योजनाएं तैयार करने में ही प्रबंधकों को इतना समय लग जाता है कि उनको क्रियान्वित करने के लिए उनके पास समय ही शेष नहीं बच पाता है। अगला है 6 नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है। देखिए नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है। आपने योजना बनाई है, आपने अपने अंक परीक्षा में 95% अंक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया और इसको प्राप्त करने के लिए आपने योजना बना ली है, लेकिन आप इस योजना पर एक भी दिन कार्य नहीं कर पाए हैं, आपने इस योजना के अनुसार बिल्कुल भी कदम आगे नहीं बढ़ाए हैं, इस योजना को मूर्त रूप आपने प्रदान नहीं किया है, तो यह योजना क्या कहलाएगी, सारहीन कहलाएगी। जब आप अपनी योजना के अनुसार नहीं चले हैं तो आप ये लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपने 11वीं के अंदर 11th क्लास में एक योजना बनाई और 92% अंक प्राप्त किए, उस योजना को आपने क्रियान्वित किया और आपने 92% अंक 11वीं में प्राप्त कर लिए। अब वही योजना आप 12वीं कक्षा के अंदर 12th क्लास में आप उसी योजना पर चलते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आपने जो लक्ष्य पिछली बार प्राप्त किया था वह इस वर्ष भी प्राप्त कर पाएं। हो सकता है आपको उससे कम प्रतिशत अंक प्राप्त हों। तो यह योजना जो आपने पहले काम में ली थी वह नए परिवर्तनशील वातावरण में आपको लाभ प्रदान करेगी, इसकी संभावना कम होती है। इसके लिए आपको नई योजना बनानी पड़ेगी जो कि आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में आपकी सहायता करे। तो जो नियोजन है
वह सफलता का आश्वासन प्रदान नहीं करता है। अब इसे उद्यम के संदर्भ में देखते हैं। एक उद्यम की सफलता तभी संभव होती है जब उसकी योजनाएं ठीक प्रकार से बनाई जाए। कोई भी उद्यम तभी सफलता प्राप्त करेगा जब उसकी योजना सही तरीके से बनाई गई हो और उन्हें समुचित रूप से लागू किया जाए प्रत्येक योजना को मूर्त रूप देना आवश्यक है, अन्यथा वह सारहीन हो जाती है। जो भी योजना है उसे मूर्त रूप देना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा वह योजना सारहीन हो जाती है। यदि आपने योजना तो बनाई है लेकिन आपने उस योजना पर एक भी दिन कदम आगे नहीं बढ़ाया है, उस योजना के अनुसार आपने काम ही नहीं किया है, तो वह योजना सारहीन हो जाती है। प्रबंधकों की पूर्व में जांची परखी गई सफल योजना पर विश्वास करने की प्रवृत्ति होती है। देखिए, यह प्रबंधकों की ही नहीं सभी लोगों की प्रवृत्ति होती है कि जो योजना उन्होंने पहले काम में ली थी, जिससे उन्होंने सफलता प्राप्त की थी, वो आने वाले समय में भी उसी योजना के अनुसार कदम बढ़ाते हैं। परंतु यह सदैव आवश्यक नहीं है कि पहली योजना दोबारा भी सफल सिद्ध हो, लेकिन यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि जो योजना आपको पिछली बार सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध हुई थी वह अब भी सफलता आपको प्रदान करवाएगी, क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती है, वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। व्यवसाय इस मान्यता पर नियोजन का कार्य करता है कि वह सफलता प्राप्त कर ही लेगा, तो यह निश्चित नहीं है, क्योंकि नियोजन केवल कार्य करने का मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए, जो प्लानिंग होती है वो कार्य को कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, इसको बताती है। वह केवल मार्ग बताती है, सफलता मिल ही जाएगी यह कहना निश्चित नहीं है, यह कहना संभव नहीं होता है। बच्चों, आज हमने इस वीडियो में जो नियोजन है उसकी विशेषताएं देखी, कुछ विशेषताओं पर हमने चर्चा की, साथ ही हमने नियोजन की कुछ कमियों सीमाओं पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।